नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप नाइन। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। अमेरिका ने मिनटमैन 3 आईसीबीएम का किया टेस्ट। रूस ने कहां तैनात किए फैब बॉम्ब। रूस के मेजर जनरल ने क्यों कहा यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला ही युद्ध खत्म करने का आखिरी विकल्प है। यूक्रेन ने अब किस इलाके में क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया। एटमी खतरे से जुड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूक्लियर टेंशन टॉप नाइन। विश्व युद्ध के खतरे के बीच अमेरिका ने परमाणु युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका ने रूसी चेतावनी को नजरअंदाज कर कैलिफोर्निया के स्पेस फोर्स बेस पर मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। मिनटमैन 3 मिसाइल 14,000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। दुनिया में न्यूक्लियर टेंशन के बीच रूस ने बॉर्डर पर FAB-1500 को तैनात कर दिया है। रूस ने FAB-1500 की तैनाती की तस्वीरें भी जारी की हैं। सीमा पर FAB-1500 की तैनाती के बाद दुनिया में खौफ का माहौल है, क्योंकि FAB बम जिस इलाके में गिरेगा उसके 2 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं बचेगा। रूसी मेजर जनरल ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की धमकी दी। रूस के रिटायर्ड मेजर जनरल व्लादिमिरोव ने कहा कि अब यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला जरूरी हो गया है। बिना न्यूक्लियर हमले के युद्ध समाप्त नहीं होगा, लेकिन न्यूक्लियर अटैक पर आखिरी फैसला पुतिन को लेना है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस में कब्जे की जंग में रूसी फौज ने लीमन की ओर यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर विध्वंसक हमला किया है। रूसी सेना ने ग्रैड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यूक्रेनी ठिकानों पर ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए हैं। इस हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी सेना ने लुहांस्क इलाके में क्लस्टर आर्टिलरी शेल्स का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन ने वॉर में आगे बढ़ रहे रूसी ग्राउंड फोर्स पर हमला किया। यूक्रेन के हमले में कई रूसी सैनिक घायल हो गए, जबकि कई रूसी सैनिक भागकर बंकर में छिप गए। बंकर में छिपे सैनिकों पर भी यूक्रेन ने हमला किया। हमले में कई रूसी सैनिकों के मौत का भी दावा किया गया है। डोनेस के रूसी कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेनी सेना ने हमला किया। यूक्रेन ने रूसी एमिनेशन डिपो पर विध्वंसक हमला किया। यूक्रेनी हमले में रूसी वेपन डिपो में जोरदार धमाके के बाद आग लग गई और डिपो में रखा सारा गोला बारूद जलकर खाक हो गया। पोर्ट सिटी ओडेसा पर रूस ने विनाशक प्रहार किया है। रूसी सेना ने ब्लैक सी से यूक्रेनी कमांड पोस्ट को टारगेट किया। रूस के हमले के बाद जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा इलाका दहल उठा। रूसी हमले में यूक्रेनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान हुआ है। वॉर जोन से रूस के ड्रोन अटैक का विध्वंसक वीडियो सामने आया है। रूसी फौज ने लेसेंट ड्रोन से यूक्रेन के T-64 BV टैंक पर हमला बोला। इस हमले में यूक्रेन के दोनों टैंक खाक हो गए। ये हमला उस वक्त किया गया जब यूक्रेनी टैंक ब्रिगेड लेपर्ड टैंक को बचाने की कोशिश कर रही थी। यूक्रेन के शहरों पर रूस के विध्वंसक हमले जारी हैं। इसी बीच यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है कि रूस की सेना ने यूक्रेन पर 33 मिसाइलें दागी हैं, जिनमें यूक्रेन की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम ने 23 मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया।